हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल जाते जाते जीपी रेशो पे दो क्वेश्चन कर लिए थे, आगे बढ़ाएंगे बेटा बात को, जीपी रेशो ही चलेगी अभी तो। बेटा सामने देखना जरा बाबू, जीपी रेशो का फॉर्मूला एक बार दोबारा से रिवाइज, ऑल दो बहुत सिंपल है बेटा। जीपी रेशो का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। बाबू ये बताता है बेसिकली सेल के किस परसेंटेज पे आप जीपी को अर्न कर रहे हो, ठीक है ना बेटा। बाबू व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एज कंपेयर टू द सेल्स। बाबू अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 है, ये ऑटोमेटिकली इंडिकेट करता है किस रेशो का आंसर परसेंटेज में आने वाला है, ठीक है ना। और बेटा इस पर हमने दो क्वेश्चन कल जाते जाते कर लिए थे, अभी 7-8 क्वेश्चन और करते हैं बेटा, और फिर एक नई रेशो को और सीखेंगे बेटा, फिर कुछ चैप्टर हमारा 2-3 दिन का रह जाएगा बेटा। चलो जी बाबू, इलस्ट्रेशन नंबर 92 एक बार रीड करना। ऑल दो चलो एक काम करते हैं, 92 सबसे बाद में करते हैं, थोड़ा अजीब सा है बेटा, पहले 93 से स्टार्ट करते हैं बेटा। 93 कैलकुलेट द जीपी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको देता है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देता है, बोलता है बेटा बीइंग 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परचेजेस देता है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। बाबू मेरी तरफ देखना जरा और बात को सुनना बेटा, जब भी मेरे को जीपी रेशो के लिए जीपी कैलकुलेट करना होगा ना, मैं 90% ऑफ द केसेस में ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, वो सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है ना बाबू। इस क्वेश्चन में भी बेटा मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में ही विश्वास दे रहा हूँ बेटा। लो जी बेटा बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 93 की, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सबसे पहले बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, बाबू ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट आप पूरा ढंग से बनाना, मैं तो खैर ऐसे ही निपटाऊंगा बाबू। फॉर्मेट में बेटा क्या होता है, टू ओपनिंग स्टॉक, देन बेटा टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो या वेजेस हो, बाय सेल्स और बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है ना। और बेटा मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ, डेबिट साइड को माइनस कर देता हूँ, तो जो रिजल्ट आता है बेटा उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे ही है ना बेटा। चलो जी पढ़ते चलो, आपको कहता है बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है, यानी कि क्रेडिट सेल्स, मुझे यहाँ पर क्रेडिट नहीं, मुझे तो टोटल सेल्स चाहिए। क्रेडिट सेल बेटा कहता है 3 लाख है, और बेटा नीचे बोलता है कि कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कहता है बेटा कैश सेल टोटल सेल का 25% है, अगर बेटा कैश सेल टोटल सेल का 25% है तो बेटा क्रेडिट सेल टोटल सेल का 75% नहीं हुई, ठीक है ना बेटा। तो मैं लिख सकता हूं बेटा बीइंग 75% ऑफ द टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल किसके बराबर है बेटा 75% ऑफ द टोटल सेल्स के, तो बेटा यहां से आप टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू 3 लाख अपॉन 75%, और बेटा अपॉन 75% का मतलब ही क्या है बेटा, अपॉन 100, और बेटा मैंने क्या करा इसको मल्टीप्लाई में ले गया, या बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.75, 75% को, तो बेटा जब ये हटाओगे तो 100 से तब भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बेटा ये कैलकुलेट होकर आएगा मेरे पास 4 लाख रुपए। मेरे बिजनेस की टोटल सेल है बेटा 4 लाख रुपए की। लो जी अब एक एक करके फिगर पुट करते चलो बेटा, आपको परचेसेस देता है 320 की, और ये वाला आइटम सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कहता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज़्यादा है, दैट सिंपली मीन्स बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 40,000, ऐसे ही दे रखा है ना आपको, ठीक है ना बेटा। बाबू मैं वैसे भी क्या करता हूँ इस क्लोजिंग, बाबू ये क्रेडिट साइड में से ही बेटा इस साइड को डिडक्ट करता हूँ, अगर इसने मुझे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो यही चाहिए, मुझे तो चाहिए भी यही बेटा, ठीक है ना। या अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्या कर रहे हो आप, तो ये लो ऐसे ही कर लो बेटा। बाबू आप फॉर्मूला क्या लगाते, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिए हुए बेटा, प्लस जीपी, यही तो आएगा बेटा, यही तो आएगा बाबू, ये दोनों इन तीनों के बराबर ही तो होंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नहीं दे रखे, ठीक है ना। सेल्स आपको पता है बेटा 4 लाख, बाबू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इन्होंने गिवन दे रखा है आपको, ऐसे ही लिखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक को आप इसी साइड ले आओ, परचेजेस को भी इसी साइड ले आओ, इज इक्वल्स टू जीपी, ठीक है ना। आपको बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक पता है 40,000, परचेजेस भी पता है बेटा 320, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो जीपी, जीपी आएगा बेटा 1,20,000। और मैं तो बेटा यहाँ पर भी ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया, ये लो बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जीपी अभी भी 1,20 ही आया, ठीक है ना जी। तो बेटा बाकी बचा ही क्या क्वेश्चन में, मुझे क्या निकालना है, जीपी रेशो, बेटा फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन सेल्स, लो जी बेटा जीपी 1:20 अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, 30%। ओके जी बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को, इलस्ट्रेशन नंबर 94 रीड करना आप एक बार, बाबू क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 94, आप रीड कर रहे हैं एक बार, बंद कर दे। अच्छा, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 1,40,000, कैश परचेजेस वाज 25% ऑफ द क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस भी देता है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 10,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री कैरेज, सब कुछ आपको दिया बेटा इसने। बाबू अगेन ट्रेडिंग अकाउंट से पूरा क्वेश्चन हो सकता है, बाबू ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करो, लिखो जी बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस, और बेटा इस क्वेश्चन में आपको कैरेज गिवन है, तो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह मैंने कैरेज लिख दिया, और बेटा अगर मैं क्रेडिट साइड में से ये डेबिट की सारी आइटम डिडक्ट कर दूंगा तो जीपी आ जाएगा। बाबू आपको कहता है जो कैश सेल्स हैं, जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेटा कैश सेल टोटल सेल का 1/3 है, और आपको बेटा बाद में कैश सेल्स भी बता देता है कि बेटा कितनी है, ये 1,40,000 है, तो बेटा टोटल सेल्स कैलकुलेट हो जाएंगी 4,20,000, टोटल सेल्स आ गई बेटा 4,20,000 की, लो जी टोटल सेल्स लिख दी 4,20 की। आगे बोलता है बेटा कैश परचेजेस वाज 25% ऑफ द क्रेडिट परचेजेस, लो जी बेटा कैश परचेजेस कितनी है बेटा, कहता है 25% ऑफ द क्रेडिट परचेजेस, जो ये कहता है बेटा वैसा कर दो, मुश्किल क्या है इसमें। और आपको क्या देता है बेटा, कैश परचेजेस 50,000, कैश परचेजेस 50,000, 25% को मैं बेटा 1/4 लिख सकता हूँ, क्रेडिट परचेजेस बेटा कैलकुलेट होकर आ जाएंगी बेटा 2,00,000, क्रेडिट परचेजेस 2,00,000, बेटा नगद परचेज किया 50,000 का, उधार परचेज किया 2,00,000 का, इसका मतलब मेरी टोटल परचेजेस कितनी है बेटा 2,50,000 रुपये। आगे बढ़ो, ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 और बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री कहता है 10,000 ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, यानी कि बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री से अगर 10 ज़्यादा है यानी कि बेटा ये 40 होगी, और कैरेज कितनी देता है बेटा 12,000, लो जी जीपी कैलकुलेट करना, 4,60 - 2,92,8, 168, लो बेटा जीपी रेशो क्या आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स 40%। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर कोई अब आसान क्वेश्चन हुआ तो मैं छोड़ता हूँ बाबू। अब ना देखो आगे 2-3 मैं क्वेश्चन पढ़वाऊंगा बहुत जल्दी जल्दी आपको, ठीक है ना। आपको भी पता है बेटा रेशोज में से आपने एमसीक्यू का पेपर देना है, पता है ना बेटा एमसीक्यू का पेपर देना है, टर्म 1 का पार्ट है, ठीक है ना, ठीक है ना। थैंक्स मी लेटर, जब आप 95, 96 या 97 जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे बाद में धन्यवाद कर देना, लेकिन एक बार पढ़ लो। कहता है कंप्यूट द जीपी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कहता है जीपी कैलकुलेट कर दो, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जीपी की परसेंटेज देता है 1/4 ऑफ कॉस्ट, दैट सिंपली मींस 1/5 ऑफ सेल्स, दैट मींस 20%। आपको कुछ नहीं करना, बाकी सारे बच्चे आपके दोस्त यार सब सॉल्व कर रहे होंगे, खत्म।
ठीक है जी, इतने बड़े बड़े बेटा कौन सॉल्व करेगा, हम क्यों सॉल्व करें, हमें तो पता है बेटा अगर वो 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो दैट मीन्स 1/5 ऑफ सेल्स है, और हम जीपी रेशो कैसे निकालते हैं बेटा, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ना कि इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के टर्म्स में भी दे सकता है, लेकिन रियलिटी में कानून ने क्या बताया, जीपी हमेशा सेल्स के सेंस में निकलता है ना कि कॉस्ट के सेंस में। तभी मैं बोलता था कभी दे रखा ना जीपी 25%, ये ना बताया हो कॉस्ट का या सेल्स का है, तो हमेशा मानना सेल्स का है। क्यों कहता था बेटा सेल्स का मानना, क्योंकि कानून में प्रोविजन है बेटा कि जीपी हमेशा सेल्स का ही निकलना चाहिए, ठीक है ना जी। ओके बात बेटा 96 पढ़ना, जीपी इज 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मुझे कुछ नहीं पढ़ना बेटा, दैट मीन्स 1/5 ऑफ सेल्स यानी कि 20%। ये देख लो बेटा क्या क्या कर रखा है इन्होंने, क्रेडिट पर क्रेडिट सेल्स भी निकाल रखी है, कैश सेल्स भी निकाल रखी है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकाला और उसके बाद रेशो कैलकुलेट करके दी, हम क्यों करें, हमें तो सिंपल सा फॉर्मूला पता है बेटा, ठीक है ना। मैंने कहा था बेटा बाद में कर देना, धन्यवाद कोई नहीं। चलो जी, तो बेटा 95 ख़त्म, 96 ख़त्म, आज लगता है मुझे छुट्टी जल्दी होने वाली है आपकी। लो जी बेटा कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2020, कैलकुलेट द जीपी रेशो। जीपी रेशो कैलकुलेट करनी है, कैश सेल्स देता है बेटा, परचेजेस देता है कैश भी और क्रेडिट भी, कैरेज इनवर्ट सैलरी, ऑल्दो सैलरी का कुछ नहीं होता ट्रेडिंग अकाउंट में, सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दे रहा है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, राहुल डिक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब है, राहुल क्या मतलब है डिक्रीज इन इन्वेंट्री का, है क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा चल देखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड वेजेस, और बेटा आपको रेशो देता है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो बेटा अगेन मैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन में, करते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर, और बेटा डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब भी समझेंगे। दिया क्या मतलब होता है डिक्रीज इन इन्वेंट्री का, बिल्कुल आपको बता देता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने न्यूमेरिकल कर रखे हैं, जब वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें आई हुई हैं बेटा, ठीक है ना। नेशनल इनकम में इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन स्टॉक की बात हुई है ना बेटा, वैल्यू एडेड मेथड, शायद याद आना मुश्किल तो होगा बेटा। चलो खैर कोई नहीं बेटा, बादाम खाओ हो जाएगी याददाश्त तुम्हारी जल्दी तेज हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे CBSE बोर्ड जल्दी जल्दी पेपर लेता रहे तो वैसे भी याददाश्त तेज हो जाती है बंदे की। लो जी, तो बेटा मेरे को कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 200,000 देता है, और लास्ट पॉइंट में बोलता है बेटा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का बेटा रेशो भी गिवेन है। लो बेटा मैं रेशो ही लगा देता हूँ पहले, कैश सेल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स, इसकी रेशो मुझे गिवेन है बेटा 1:4, और कैश सेल्स बेटा 200,000 देता है आपको। तो बेटा कैश सेल्स अगर 200,000 हो और बेटा रेशो गिवेन हो, तो यहाँ से आप क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो, ये आएगी 800,000 रुपये, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। कैश सेल 200,000, क्रेडिट सेल 800,000, दैट सिंपली मीन्स मेरी टोटल सेल बेटा 1,000,000 की है। वैसे ट्रेडिंग अकाउंट बिना बाय बिना 2K मत लिखना, मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ इसी वजह से छोड़ रहा हूँ बेटा। परचेजेस भी गिवन है, कैश भी और क्रेडिट भी, 1.5 लाख और 4.5 लाख, दैट मीन्स बेटा परचेजेस कितनी हो गई, 6 लाख, परचेज 6 लाख की हो गई। उसके बाद बेटा देता है कैरेज इनवर्ड, बेटा ये क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा राहुल, जाएगा ठीक है बेटा। कैरेज इनवर्ड, उस दिन मैंने मतलब बताया था बेटा परचेज से रिलेटेड खर्चों के लिए इनवर्ड वर्ड लगाया जाता है, ठीक है ना जी। बाबू सैलरी कहाँ रिकॉर्ड करूँ ऋतिक भाई, सैलरी नहीं जा, ठीक है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में सैलरी नहीं जाती है, P&L अकाउंट का खर्चा है। उसके बाद आगे बढ़ो बेटा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ये आपको देता है 80,000। प्यारे बच्चों ये बात बहुत आराम से समझ लेना, देखो मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ को कैसे एनालाइज कर रहे हो, पर ये बात बहुत आसान है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री 1,20,000 थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 रह गई, तो बेटा यही तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ही क्या है बेटा, ओपनिंग में ज़्यादा रहा होगा स्टॉक, क्लोजिंग में कम रहा होगा, तभी तो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री 80,000।
मैंने ऐसे ही रैंडम फिगर मान ली, बेटा देखो यहाँ पर भी 80,000 आ रहा है। अच्छा तब क्या होता, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या हो रखा था, अगर ये फिगर उल्टी हो जाए, ऐसे हो जाए तो मैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री वर्ड नहीं बोल सकता, मैं क्या बोलूंगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री बढ़ चुकी है 80,000 से। जब भी आपको कहे बेटा इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इसका मतलब ही क्या होता है बेटा, इनडायरेक्टली इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कि इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ हुआ है, इसका मतलब बेटा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बढ़ा है बेटा ओपनिंग के कंपैरिजन में। और जब भी आपको कहे बेटा डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इसका सीधा साधा सा मतलब है बेटा ओपनिंग स्टॉक काफी ज्यादा था क्लोजिंग स्टॉक के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अब बेटा इसने मेरे को डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया, इसका सीधा सीधा सा क्या मतलब है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो मैं तो यही चिपका रहा हूं, यहां से क्लोजिंग स्टॉक गायब कर रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक 80,000 मुझे दे रखा, ठीक है ना। बेटा आप खुद समझो, अगर मैं किसी चीज को क्रेडिट साइड में लिखूं या डेबिट साइड में माइनस में लिख दूं, बात तो एक ही है ना, किसी चीज को मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं बेटा, अगर मैं उसको डेबिट साइड में माइनस में लिख दूंगा तो कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं, ओके है ना बात। चलो जी बाबू और क्या देता है, रिटर्न आउटवर्ड, बेटा रिटर्न बाहर गई, इसका मतलब कुछ अंदर आया होगा तभी तो बेटा रिटर्न बाहर गई, यानी कि बेटा मेरी परचेज रिटर्न है। परचेजेस हमेशा बिजनेस के अंदर आती हैं, जब भी आपको कहे रिटर्न आउटवर्ड, इसका मतलब है कुछ बाहर गया, और बाहर कब जाता है बेटा, जब बिजनेस में परचेज हुई होगी तो बेटा ये मेरी परचेज रिटर्न है 20,000 रुपये की, यानी कि बेटा मेरी परचेजेस नेट में रह गई 580। और क्या देता है, वेजेस 50,000, तो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पर भी आपको 50,000 और गिवेन है, और क्या कैलकुलेट करना है, बस अब जीपी तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। बेटा खर्चों का टोटल करो, 80 और 580, 660, 7 10 7 16, यानी कि 284, ठीक है जी। बेटा आप कैलकुलेट करोगे जीपी रेशो, जीपी अपॉन सेल्स, यानी कि बेटा आएगा 28.4%, ठीक है जी, बात ओके, बढ़े आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 98, यानी कि इलस्ट्रेशन 98, सॉरी बाबू, ओपनिंग इन्वेंट्री देता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बताता है 1.5 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देता है, सेलिंग प्राइसेस 1/3 अबव कॉस्ट, और बेटा कहता है कैलकुलेट द जीपी रेशियो। मुश्किल बात ये भी नहीं है बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा, बस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यूज होगा इसमें। चलो जी कैलकुलेट करते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 98 बाबू, आपको देता है ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, लो जी ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, और बोलता है बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 गुना है ओपनिंग इन्वेंट्री की, तो बेटा ये कैलकुलेट होकर आएगा 90,000। बाबू आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है, आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है ग्रेसी, बेटा कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये आईटीआर का फॉर्मूला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मुझे गिवन है 6 टाइम्स, कॉक्स मैं बेटा कैलकुलेट कर लूंगा, और एवरेज इन्वेंट्री दिस प्लस दिस अपॉन 2, यानी कि बेटा 75,000, तो बेटा कॉक्स कैलकुलेट होकर आया 4.5 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, कॉक्स आपके सामने है बेटा, क्या मैं सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखो सेलिंग प्राइस क्या देता है आपको बेटा, कहता है सेलिंग प्राइस 1/3 अबव कॉस्ट, कॉस्ट से बेटा 1/3 बड़ा है, ठीक है ना, अगर बेटा कॉस्ट से 1/3 बड़ा है तो बेटा कॉस्ट से 1/3 बड़ा है, यानी कि बेटा मेरा प्रॉफिट यही है बेटा। लो बेटा सेल प्राइस आ गया मेरा 6 लाख रुपए, ओके है बात, ओके है। वैसे तो एक बात बताऊं, डायरेक्ट ही कर लेते इसको जीपी रेशो तब भी निकल जाती, ठीक है ना, सेलिंग प्राइसेस 1/3 अबव कॉस्ट, बेटा कॉस्ट का 1/3 है, तो बेटा सेल का कितना होगा, 1/4 25%, देख लो नीचे आंसर यही है, और चाहे अब देख लो बेटा आपने जीपी निकाला है, सेल्स निकाली है, ये लो जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तब भी 25% ही आएगा, मैंने पहले ढंग से रीड नहीं किया, अगर मैं पहले ढंग से रीड करता तो क्वेश्चन अगर आता पूरा, ठीक है ना। देखो इतनी सारी मत्थापच्ची करने से आप बच जाओगे अगर वो फॉर्मूला याद रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको तो MCQ देना है ना बेटा, टीचर को क्या बता आपने कैसे सॉल्व किया, आपको टेक्निक पता होनी चाहिए,
बाबू बोलता है सेलिंग प्राइस इज 1/3 अबव कॉस्ट, कॉस्ट से 1/3 बड़ा है, दैट मींस कॉस्ट का बेटा 1/3 प्रॉफिट है, ठीक है ना, कॉक्स का 1/3, अगर कोई चीज कॉक्स का 1/3 है दैट सिंपली मींस 1/4 ऑफ सेल्स, 25%, इतना बड़ा क्या करा मैंने, ऐसे ही क्वेश्चन किया, ओके ना बात। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक नई रेशो स्टार्ट हो रही है, इस पर चर्चा करते हैं बेटा और 2-3 क्वेश्चन इस पर बेस्ड करते हैं। लो जी आज शतक मारना है बेटा मैंने, हाँ मारूंगा शतक, मतलब 100, क्या यार अंग्रेज चले गए तुम्हें छोड़ गए, तुम्हें शतक का मतलब नहीं पता। लो जी, लो प्यारे बच्चों, कल हमने बेटा कंसेप्ट नंबर 67 लिखा था, कंसेप्ट नंबर 67 की फर्स्ट रेशो है जीपी रेशो, सेकंड रेशो है बेटा ऑपरेटिंग रेशो, दो मिनट के लिए सामने देख दो बेटा, मैं लिखने का टाइम पक्का दूंगा, पहले मेरी बात सुन लो, मैं पक्का लिखने का टाइम दूंगा, आप सब सामने देखो पहले मेरी इस बात को समझ लो बेटा, इस रेशो का नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं लिखा मैंने, पहले तो ये समझ लो मैंने इसका नाम ऑपरेटिंग रेशो लिखा है, और कल मैं एक रेशो पढ़ाऊंगा जरूर, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब जो रेशो पढ़ाऊंगा उसका नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होगा, देर इज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और इसमें कन्फ्यूज हो जाता है बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना, आपने कन्फ्यूज नहीं होना, बहुत आराम से समझ लो बेटा, नाम लिखा है मैंने ऑपरेटिंग रेशो ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ठीक है, मैं एनालिसिस भी जरूर करूंगा, पहले फॉर्मूला बताता हूँ बेटा, फॉर्मूला इसका कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग खर्चे यानी कि प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि इस रेशो का आंसर भी परसेंटेज में आने वाला है, नहीं लिख सकते अभी मैं बताऊंगा, अभी करते हैं बेटा धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे फिर बताऊंगा। बाबू सबसे पहला स्टार ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर और बेटा ऑपरेटिंग इनकम पर डबल स्टार, कॉक्स के बारे में मुझे नहीं बताना, आपको पीएचडी करा दी बेटा, जब हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे 25 क्वेश्चन करे तो हर एक में कॉक्स की बात करी है, ठीक है ना, पूरी एक्टिविटी और पूरी टर्नओवर रेशो में बेटा सेल्स की बात की हुई है, तो बाबू ना तो इस पे मेरी चर्चा है ना इस पे चर्चा, चर्चा ये दोनों वर्ड आपके लिए नहीं हो सकते, ठीक है ना बेटा। अब मैं कुछ बातें बता देता हूँ एडवांस में बेटा, पहले तो मैं ये बता देता हूँ अगर मैं टी फॉर्म ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाऊँ तो कैसा दिखता है, ठीक है ना, जिन बच्चों ने बेटा बीएसटी में मुझसे चीज़ें नहीं पढ़ी हुई तो बेटा अब थोड़ा और ध्यान दो मेरी तरफ देखना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप 11th क्लास में बनाते थे, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने बेटा बनाया ही ना हो बेटा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट 11th क्लास में, ठीक है ना, वो कोविड में निकल गई बेटा पूरी 11, अब बहुत आराम से सुन लो, लेकिन बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, मैं मान के चल रहा हूँ बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया, अभी तक मेरे साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं बेटा ब्रॉड डाउन करते हैं, और पी एंड एल अकाउंट की शुरुआत ही बेटा ग्रॉस प्रॉफिट से होती है, पी एंड एल अकाउंट में बेटा इसी ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने लिख दिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा मैं बचे हुए सारे खर्चे लिखता हूँ, और ये खर्चे बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, कहीं बहुत बड़ी बड़ी तादाद है इसकी, ठीक है ना बेटा, बाबू बहुत सारे खर्चे लिखूंगा यहाँ पर, और बेटा और कोई इनकम होगी तो बेटा वो यहाँ पर लिखूंगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका नाम या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा, ठीक है ना, अगर बेटा मैं इन खर्चों को क्लासीफाई करूँ या इन इनकम को क्लासीफाई करूँ तो बेटा दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकता हूँ, ठीक है ना, खर्चों को क्लासीफाई करने चलूंगा तो बेटा दो तरीके के खर्चे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना, और दूसरे होते हैं बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा जो बिजनेस को ऑपरेट करने से खर्चे हो रहे हैं, और बेटा नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस को ऑपरेट करने से खर्चे नहीं हो रहे, ठीक है ना, ऐसे ही बेटा मेरी इनकम भी दो तरीके की हो सकती है ऑपरेटिंग इनकम और बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो इनकम जो बिजनेस को ऑपरेट करने से हो रही है बेटा, और बेटा वो इनकम जो बिजनेस को ऑपरेट करने से नहीं हो रही, बेटा किसी एक फर्म का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी दे पाऊँ अंदाजा दे पाऊँ, लेट सपोज आपकी सहारनपुर सिटी का 5-स्टार जनता,
बेटा बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है बेटा, दुकान चला रहा है, दुकान पे बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे नौकर काम करते हैं, सैलरी का खर्चा है, बिजली का खर्चा है। अगर बेटा आज शटर डाउन कर दे और कह दे बिजनेस बंद, सैलरी का खर्चा होगा क्या? सैलरी बिजनेस ऑपरेट करने से हो रहा है खर्चा? बिल्कुल बेटा, आप बिजनेस चला रहे हो तो खर्चा हो रहा है, आप बेटा बिजनेस नहीं चलाओगे तो ये खर्चा भी बंद हो जाएगा। बेटा सैलरी एक ऐसा खर्चा है बेटा जो बिजनेस चलाने से हो रहा है, ठीक है ना? बिजनेस बंद कर देंगे तो ऐसा खर्चा नहीं होगा। बेटा इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम बिल नॉन ऑपरेटिंग में आ सकता है, ठीक है ना? आप बेटा दुकान खोलो के नहीं खोलो, मीटर लगा हुआ है तो मिनिमम बिल आएगा ही आएगा, तो बेटा आप बोल सकते हो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वैसे इससे बेटर एग्जांपल दे दूंगा मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम का भी और खर्चों का भी। बाबू फाइव स्टार वाला जितने भी दुकान चलाने से खर्चे कर रहा है वो सब बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जितना भी बेटा दुकान चलाने से उसको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, सेल के अलावा इनकम हो रही है, वो सब ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं आपको ऑपरेटिंग इनकम का, डिस्काउंट रिसीव्ड। आप बहुत बल्क में सामान खरीदते हो क्योंकि दुकान चला रहे हो, बल्क में खरीदते हो, आपके दुकान पे सेल बहुत है, तो बेटा कहीं ना कहीं आप क्या करते हो अपने सप्लायर से बेटा डिस्काउंट की मांग करते हो, तो डिस्काउंट दे भी देता है। डिस्काउंट रिसीव बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग इनकम में से एक है। बाबू ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे क्या होते हैं? जो बिजनेस के खर्चे नहीं है सही मायने में, जो ना ही बेटा बिजनेस से मेरे को इनकम हो रही। फाइव स्टार जनता ने एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया हुआ है बेटा, आज से 5 साल 10 साल पहले लिया था 50 लाख का। आज बेटा आपने 10 लाख रुपए प्रॉफिट पर बेच दिया, 60 लाख रुपए का बेच दिया, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना? बाय सेल, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 10 लाख रुपए। लेकिन बेटा अगर मैं क्लासीफाई करूं इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये कौन सा? मेरी दुकान से इनकम हुई है, दुकान से इनकम हुई है, मिठाइयां बेचने से, स्नैक्स बेचने से इनकम हुई है क्या? ये मेरी दुकान तो बेटा मिठाई और दुकान की और स्नैक्स की थी, ये बेटा बिस्किट की थी, इससे हुआ है मुझे 10 लाख का प्रॉफिट, तो क्या ये बेटा बिजनेस का प्रॉफिट है सही मायने में? नहीं बेटा, इसे हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये बिजनेस ऑपरेट करने से इनकम नहीं हुई आपको। और अगर बेटा लॉस हो जाता लैंड बेचने में 10 लाख का, तो यहाँ रिकॉग्नाइज किया होता आपने, ठीक है ना? टू लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, अगेन अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये समझ में आया बेटा कि P&L अकाउंट में खर्चों की कैटेगरी भी दो है बेटा और इनकम की कैटेगरी भी दो है, ठीक है ना? मुझे क्या लिखना है इधर देख लो, मुझे क्या लिखना है बेटा? ऑपरेटिंग खर्चे लिखने हैं माइनस ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि मैं नेट में ऑपरेटिंग खर्चे लिखवा रहा हूं, मैं इनकम तो लिखवा ही नहीं रहा, मैं तो नेट खर्चे लिखवा रहा हूं बेटा, दुकान के नेट खर्चे कितने, ठीक है? ऑपरेटिंग इनकम में सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, तो सबसे पहले डबल स्टार को डिफाइन कर देता हूं, सिर्फ दो बेटा, कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड। कई बार कोई कंपनी कह देती है आप मेरा 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का माल बेचो तो आपको क्या करेंगे, हम इतनी डिस्काउंट दे देंगे या इतनी कमीशन दे देंगे आपको माल पर, ठीक है ना बेटा? तो ये बिजनेस ऑपरेट करने से होने वाली इनकम है बेटा, इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है ना? ऑपरेटिंग खर्चों की कैटेगरी बहुत सारी हो सकती है बेटा, कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बेटा, क्या क्या हो सकते हैं? बाबू SPL में मैंने खर्चे बहुत सारे बड़े थे ना, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, SPL में मैंने बहुत सारे खर्चे बड़े थे ना बेटा, 7 कैटेगरी थी जिसको मैं याद कराता था, CPCEFDO याद है? पता नहीं भाई क्या ही याद है तुम्हारे को, CPCEFDO याद है? बताना जरा क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या बोल रही है? परचेज ऑफ SIT, चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड SIT, कुछ नहीं पता तुम्हें। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, ठीक है ना? बाबू देखो इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे खर्चे कॉक्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, मुझे बात नहीं करनी इन्वेंट्री से रिलेटेड खर्चों की, ये सारे खर्चे बेटा कॉक्स में आ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, याद है ना बेटा? कॉक्स कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे खर्चे कॉक्स में है, मुझे बात करनी है ऑपरेटिंग खर्चों की। ऑपरेटिंग खर्चे क्या होते हैं? पूरा ई, समझ गए बेटा? पूरे ई में क्या आता है? यानी कि बेटा पूरे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई के भले के लिए कुछ भी खर्च करा, ये बेटा बिजनेस का ऑपरेटिंग खर्चा है, ठीक है ना? बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो इतने सारे नौकर चाकर रख रखे हैं, उसको कुछ भी दे रहे हो आप, सैलरी बोल लो
बेटा लीव एनकैशमेंट बोल लो, बोनस बोल लो, कमीशन कुछ बोल लो बेटा, एम्प्लॉई के लिए जो खर्चा है सब ऑपरेटिंग है, ठीक है ना। फाइनेंस कॉस्ट की चर्चा नहीं करनी बेटा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पूरा, डेप एंड अमोर्टाइजेशन। बेटा बिजनेस चल रहा है तो फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसका इस्तेमाल हो रहा है बेटा, और इस्तेमाल होने पर उसकी वैल्यू गिर रही है, जो कि बेटा क्या है, एक डेप्रिसिएशन, एक ऑपरेटिंग खर्चा, ठीक है ना बेटा। बाबू और अदर एक्सपेंसेस में कुछ लिमिटेड बातें, यानी कि ई पूरा आया, डी पूरा आया, अदर एक्सपेंसेस में से कुछ गिनती की बातें लिखवा रहा हूं आपको बेटा। डिस्काउंट अलाउड, जैसे डिस्काउंट रिसीव बिजनेस की इनकम है, बिजनेस चलाने से हो रही है, ऐसे ही बेटा डिस्काउंट अलाउड। कई बार आपसे कोई बल्क में सामान खरीदने आ जाता है, आपको भी डिस्काउंट देनी पड़ती है बेटा, तो आपके लिए एक ऑपरेटिंग खर्चा है, नॉर्मल सा ऑपरेटिंग खर्चा। बैड डेट, इससे कौन अवेयर नहीं है बेटा। अब बिजनेस है, उधार भी चलेगा, बिजनेस चलेगा तो उधार भी चलेगा, और उधार चलेगा ऐसा तो होता ही नहीं कि बेटा पूरे पैसे वापस आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ पैसे डूब जाते हैं बेटा, जिसको हम प्यार से बैड डेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दो और खर्चे बेटा, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्योंकि बेटा आप दुकान चला रहे हो, कहीं ना कहीं बेटा दुकान के एडवर्टाइजमेंट पर, पैकिंग मटेरियल पर बहुत खर्चा करते हो, अपने डब्बे तो छपवाए हुए ना बेटा, एक काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ही तो होता है बेटा, कहीं ना कहीं हम बेटा फ्लेक्स बोर्ड भी लगवा देते हैं बेटा, क्या है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है बेटा, कहीं ना कहीं ऐड के खर्चे, सामान बेचने के या ऐड के खर्चे सब यहाँ पर आ जाएंगे बेटा। बाबू ऐसे ही ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन समझते हो ना बेटा, दुकान चलाने के लिए बेटा कहीं ना कहीं कोई तो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होगा बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी खर्चे कर रहे हो, अगेन इट इज़ अ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बेटा गिनी चुनी छह खर्चे बेटा आपके ऑपरेटिंग खर्चे हैं, और दो चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है ना। एनालिसिस तब कर पाऊंगा जब बेटा एक रेशो निकाल दूंगा, या बता दूं वैसे ही करके बता दूं। मान लो बेटा किसी बिजनेस में ये 84,000 हो मेरा न्यूमरेटर, और बेटा डिनोमिनेटर हो बेटा 100,000, तो बेटा ये रेशो का आंसर आया 84%। आप इससे क्या समझे, यानी कि बेटा मेरे बिजनेस में जितनी सेल होती है उसका 84% तो बिजनेस चलाने चलाने के खर्चे खर्चे हैं। ये रेशो कभी भी प्रॉफिट नहीं निकलवाती बेटा, जैसे जीपी रेशो प्रॉफिट निकलवाती थी, कल को बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पढ़ेंगे बेटा, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलवाएगी मेरा, ठीक है ना। कल को बेटा नेट प्रॉफिट रेशो पढ़ेंगे, वो भी नेट प्रॉफिट निकलवाएगी। ये रेशो सच में प्रॉफिट नहीं निकलवाती है, खर्चों की परसेंटेज निकलवाती है कि बेटा मेरे बिजनेस में जितनी सेल है उसका 84% तो बिजनेस चलाने के खर्चे हैं। और आपको बता देता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। बेटा अगर मेरे ऑपरेटिंग खर्चे 84% है, दैट सिंपली मींस मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% है। यानी कि बेटा ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हमेशा 1 के बराबर होता है या 100% के बराबर होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना। हाँ कैसे, अरे क्या बात करिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिजनेस चलाने के खर्चे हैं बेटा 8,00,000, अगर 2,00,000 की इनकम होती है तो मैं नेट खर्चे निकाल रहा हूं, नेट में बिजनेस के चलाने के खर्चे कितने हैं 6,00,000। ये दोनों चीजें क्या निकालेंगी, नेट खर्चे ही तो निकालेंगी। हाँ अभी मैं बात ही नहीं कर रहा जीपी की। हाँ जी बेटा समझ आया ना मैंने क्या बोला, ये बिजनेस चलाने के खर्चे अगर 8,00,000 हो, मैं बोलूं मैंने डिस्काउंट दी, मैंने बैड डेट इनकर करा, ऑफिस के खर्चे करे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे करे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सब 8,00,000 हैं, लेकिन मुझे जो डिस्काउंट और कमीशन मिली वो सिर्फ 2,00,000 है, तो बेटा नेट में मैंने बिजनेस चलाने के लिए कितने खर्चे करे, नेट में मैंने 6,00,000 रुपये खर्च दिए बिजनेस चलाने के लिए। तो ये मेरे बिजनेस चलाने के खर्चे बताता है बेटा, ऑपरेटिंग खर्चों की परसेंटेज है ये, ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की परसेंटेज। क्लियर है बात, इस पर बेस्ड एक से दो क्वेश्चन कर लो ताकि क्लैरिटी आ जाए, फिर बढ़ते हैं आगे बेटा। हाँ चलो नोट कर लो, पहले आप नोट कर लो। लो बेटा ऑपरेटिंग रेशो पे बेस बस 4 ही क्वेश्चन हमारे कोर्स में है, फटाफट से फिनिश करते हैं बेटा चारों, और आज मैंने भी 6 क्वेश्चन करे हैं, 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने 93 से स्टार्ट किया
और अभी 98 तक पहुंच रहा हूं। चार क्वेश्चन और करता हूं बेटा, 10 हो जाएंगे और यही होमवर्क है। अभी 92 को पेंडिंग छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, वो बेटा नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। लो बेटा फॉर्मूला आपको क्लियर है बेटा, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना, मेरे पेपर में आया था भाई, मेरे को नहीं पता था कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 1% होती है। इतना कंफ्यूज करके 10-15 स्टैट्स दिए और नीचे बेटा पूछा हुआ है, और 10-15 स्टैट्स में से एक स्टैट ये था कि ऑपरेटिंग रेशो 78% है, मुझे याद है बहुत अच्छे से 78% ही दी थी, और मुझसे पूछा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। मुझे आखिरी तक समझ ही नहीं आया भाई ये कैसे निकलेगा, क्या यार एक आधा ही कटवाता था जो रट्टा मारता था, ठीक है ना, 99 ही आए होंगे। चलो जी पॉज कैसे हुए, शक्लें देख ले अपनी। चलो जी क्या बुरे हाल है तेरे, तुझे क्या लग रहा बिना पास को यहाँ खड़ा हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 99, ऑपरेटिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है, और बेटा सबसे पहले गिवन है सेल्स और सेकंड में गिवन है सेल्स रिटर्न। तो बेटा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, मेरे पास बेटा नेट सेल्स आ गई 250,000 की। देखो बेटा सामने नेट सेल्स लिख दी मैंने 250,000, कॉक्स गिवन है बेटा 150 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, ये देख लो बेटा सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बिजनेस चलाने के खर्चे हैं बेटा जो कि 60,000 है। क्या कोई ऑपरेटिंग इनकम गिवन है? नहीं बेटा, तो एज्यूम कर लो उसको जीरो, यानी कि ये आएगा 210,000 अपॉन 250 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बेटा ये कैलकुलेट होकर आएगा 84%। चलो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर, अब आया मैं शतक पे पूरे, इलस्ट्रेशन नंबर 100। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देता है 680, तो बेटा सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 680, मैंने लिख दिया बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको देता है बेटा जीपी का रेट 1/4 ऑफ कॉस्ट, अगर जीपी 1/4 ऑफ कॉस्ट है दैट सिंपली मींस 1/5 ऑफ सेल्स, इसका 1/5 निकालोगे दैट मींस 1,36,000। बेटा मेरी तरफ देखना, सेल्स पता है, जीपी निकाल लिया 136, तो कॉक्स निकल जाएगा, सेल्स माइनस जीपी कॉक्स है। बेटा कैलकुलेट करोगे अगर इसमें से 136 को माइनस करोगे तो ये आएगा बेटा 5,44,000 प्लस सेलिंग के खर्चे और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। अगेन बेटा इट इज़ अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, दोनों का टोटल बेटा 2,17,000 है, ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं है बेटा, एज्यूम इट टू बी जीरो। मेरी तरफ देखना, क्या ये रेशो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती? भाई इधर देखो, दिखाई दे रहा है 100% से ज़्यादा आ रही है, मुझे तो दिख रहा है 680 है, ये कुछ बेटा ज़्यादा ही दिख रहा है 6 से 5 और 2 7 तो पहले ही दिखाई दे रहा है। क्या ये रेशो आ नहीं सकती 100% से ज़्यादा? आ सकती हैं, क्यों जरूरी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होगा बिजनेस चलाने से, ऑपरेटिंग लॉस नहीं हो सकता। तो बेटा ये रेशो 100% से ज़्यादा आ सकती है, घबराना ना, ठीक है ना, ये मत सोचना कि आपने कुछ गलत कर दिया, ओके बात। चलो जी बेटा 101 और 102 बस ये दो कराने और फिर छुट्टी। खैर बहुत सिंपल है बेटा, 101 में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और बेटा सेकंड में कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मुझे बेटा कैश का कुछ करना ही नहीं, अगर मेरे पास नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मुझे तो नेट ही चाहिए। बेटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, जीपी रेशो 1/5, बेटा कुछ ना बोले तो 1/5 ऑफ सेल्स, यानी कि बेटा अगर मैं 8 लाख का 1/5 करूँ यानी कि बेटा 1,60,000, तो बेटा कॉक्स कितना आ जाएगा 640, कॉक्स आ जाएगा ना 640, कॉक्स 640 आ गया। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ये क्या है बेटा, ऑपरेटिंग है कि नहीं है? हैं। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है कि नहीं है? है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऑपरेटिंग है कि नहीं है? नहीं है। मैंने बेटा प्लांट बेच दिया, कोई मैंने बिजनेस चलाने से लॉस इनकर करा? कोई भी मैं फिक्स एसेट्स खरीद लूं या बेच लूं, मुझे प्रॉफिट हो जाए नुकसान हो जाए, ये कोई बिजनेस चलाने का प्रॉफिट या लॉस नहीं है। तो बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 640 कॉक्स आया था, 60 और डेप 80, ये 720 अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 90%, ठीक है ना बेटा, मैंने करा नहीं ये तो मुझे वानी हो गया। आगे बढ़ना बेटा 102, ऑपरेटिंग रेशो गिवेन है, ऑपरेटिंग खर्चे भी गिवेन है,
सेल्स और सेल रिटर्न भी गिवेन है, कॉक्स कैलकुलेट करना है। तो हो जाएगा बेटा, लो करते हैं कॉक्स कैलकुलेट और करता हूँ छुट्टी। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 102, इलस्ट्रेशन नंबर 102, ऑपरेटिंग रेशियो 75%, कॉक्स कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग खर्चे दिए हुए हैं बेटा 40,000 के और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है ना बाबू। 480 मल्टीप्लाइड बाय 75%, 360 इज इक्वल्स टू कॉक्स प्लस 40,000, 40,000 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कॉक्स इज इक्वल्स टू 320। जरूरत ही नहीं, अगर मैंने 75% लिखा तो डायरेक्टली 75% को इससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर अपॉन 100 करोगे फिर कटिंग करोगे 3/4 फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, उससे बहुत आसान पड़ेगा। सर परसेंटेज है, आप ऐसा भी कर सकते थे परसेंटेज वर्ड हटा के अपॉन 100 कर देते, पर मुझे लग रहा है उससे कैलकुलेशन मुश्किल होती है, आसान ना होती, इसलिए मैंने हटाई नहीं बेटा। 480 मल्टीप्लाइड बाय 75% क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 480 का 75% यानी कि 3/4 कितना आएगा 360 इज इक्वल्स टू कॉक्स प्लस 40, ठीक है ना बाबू। सेम होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 93 to 102। नहीं नहीं कुछ नहीं दे रहा था, मजाक कर रहा था। आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।